धनबाद में अवैध कोयला कारोबारियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। अवैध कोयला कारोबारियों के द्वारा हमला करना, मारपीट करना आम बात हो गई है। इतना कुछ होने के बाद भी वारदात की शिकायत थाने में नहीं ली जा रही है। ताजा मामला तेतुलमारी थाना का है। तेतुलमारी थाना क्षेत्र के मोदीडीह में अवैध माइंस डिपो का संचालन कर रहे शंकर राय, विकी राय, सूरज सहित अन्य कोयला तस्करों ने मिलकर अवैध कोयला कारोबार का विरोध करने वालों पर फायरिंग की तथा हरवे हथियार से हमला किया। तेतुलमारी थाना क्षेत्र मोदीडीह में संचालित अवैध कोयला माइंस का विरोध करना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। अवैध कोयला तस्करों के दर्जनों लोगों ने ग्रामीणों के घर में हरवे हथियार के साथ हमला कर दिया, जिसमें सपना सिंह, जूली सिंह नाम की महिला को मारकर घायल कर दिया गया। घायल महिला ने फायरिंग मारपीट का आरोप शंकर, विक्की राय, सूरज यादव सहित अन्य पर लगाया है। वहीं घायल महिला ने कहा कि तेतुलमारी थाने पहुंची तो पुलिस ने शिकायत नहीं ली, जिससे लोगों में आक्रोश है। शनिवार को भी अवैध कोयला संचालकों ने बीसीसीएल के कर्मचारी से मारपीट कर घायल कर दिया था। उसी समय में भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। प्रभारी का आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पर जब से नए प्रभारी का इस थाना में आगमन हुआ है, तब से अवैध कोयला कारोबारियों में मनोबल बढ़ता जा रहा है और अपराधी किस्म के कोयला माफिया लगातार इस तरह के मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन अवैध कोयला के कारोबार वाले करने वाले शंकर राय, विकी राय, सूरज यादव पर बागमारा अनुमंडल कप्तान सुश्री निशा मुर्मू तथा तेतुलमारी थाना प्रभारी क्या एक्शन लेती हैं, या फिर इन गुंडा लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया करेंगी ताकि आगे भी इस तरह की घटना को अंजाम देते रहें। खींच के इधर नदी की तरफ भागा, चिल्लाई हम लोग आए तो यहाँ देखे लेबर लोग को, तो कौन लिया लेबर लोग भागा यहाँ से। लेबर लोग कहाँ का है ये नहीं मालूम है, ये तो ये लोग विक्की राय सब आवे माइंस चला रहा है उसी का। कहाँ पर चला रहा है? वेस्ट मोदीडीह। कब तक? यहाँ से कितना दूरी पर? यहाँ से 300 मीटर पे है, 400 मीटर पे। वो मैं कब से चला रहा है? ये करीब चला रहा है 15-20 दिन से। तो अब यहाँ पर का लोग मैं थाना में सूचना दिया? सब दिया हुआ था, गए भी थे थाना सूचना देने। कहिया? परसों। तब कुछ नहीं बोले, ठीक है हम समझा देंगे। हम बोले कि महिला लोग घूमती है इधर आती है। क्या बोला समझा देंगे? थाना प्रभारी। थाना प्रभारी? हाँ। तब उसके बाद जब हम लोग इसको दौड़ाए, उल्टा थाना वाले आकर के हम लोग को बोले जीप में बैठे चलो, तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, घटना हमारे साथ हुआ, उल्टा हमको जीप में कैसे बैठा रहे हैं। तब तो फिर वो लोग चले गए, फिर ठीक है देखते हैं पता करते हैं। गोली चला है? हाँ गोली चला है। वो लोग जब चढ़ा उधर से, सूरज यादव, राजा राम यादव और राहुल चौहान और करीब था उसके साथ 40-50 लोग। थाना लिखित शिकायत आप दिए हैं? लिखित शिकायत दिए हैं? यहाँ पहले इलाज कराया, शिकायत इंजोरी तो मांग रहे थाना से, इंजोरी दे नहीं रहा, जहाँ जाना चाहिए। तो गोली चला के फिर क्या किया? क्या किया हम लोग उधर से दौड़े, पूरा मोहल्ला वाला लोग ये लोग भागा यहाँ से, और यहाँ देख रहे सिस्टर पड़ी हुई, तो उसको हम लोग उठाने का प्रयास किए, अभी थाना में ही है सिस्टर। तो वो लोग का गोली चलाने वाला कितना आदमी था? 60-70 आदमी। वो कुछ आदमी लोग को हमारे घर के बगल में रखे हुए हैं बाबा। सर एक मिनट किए, राजेश राय। अच्छा कहाँ रखे? माइंस चला रहे हैं हमारे घर के बगल, वेस्ट मोदीडीह। अच्छा। हाँ मेरे घर के बगल में CICF कैंप है, उसमें बहुत 100-150 लेबर रह रहा है। हाँ। हम और मेरी ये छोटी वाली नन आकर के हम लोग टहलने निकली दोपहर में। हाँ। आके टहलने थोड़ा सा 10 मिनट टहलने तो टहलने निकले ना, तो लेबर लोग पहले गंदा गंदा बात बोलने लगा, तो हम बोले कि ए तुम लोग फैमिली यहाँ क्वार्टर है ऐसे क्या है बोल रहा है। जब दो लेबर था फिर तीसरा भी आ गया, बोला कि हम लोग का बॉस कहाँ है, किसी से डरने के लिए नहीं, अपना बॉस राजेश राय है, किसी से डरने के लिए नहीं। सो और गंदा गंदा बात बोला, हम लोग को इनको धकेल दिया, ये गिर गए और मेरे गले से चैन छीन के दोनों भाग गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया सिंह है। प्रिया सिंह जी, मेरा नाम प्रिया सिंह है। हम और मेरी ननद यहाँ थाना में कंप्लेन लिखवाने आए। नहीं लिया कंप्लेन यहाँ नहीं लिए लोग, कोई पकड़ नहीं। ननद का क्या नाम है? जूली सिंह। वो क्या बोला? बोले कि यहाँ एडी सर कोई स्टाफ का नाम बोले कि वो नहीं है, जब वो आएंगे तो आपका कंप्लेन ले लिया जाएगा। हम बोले सर कौन बजे आए थे? हो गया 1.5 घंटा पहले, टाइम देख के नहीं आए थे सर। तो नहीं लिया तब? नहीं लिया। तो DSP मैडम, तो वो बोले कि हम बोले सर हम ले लीजिए, हमको रिसीविंग दे दीजिए, हम घर चले जाएंगे।
तो वो लोग नहीं लिए, तो हम बोले कि सर हम तब फिर चले जाए ना DSP मैम के पास, आप लोग कंप्लेन मेरा नहीं ले रहे हैं तो हम चले जाए, तो बोले हाँ जाइए DSP मैडम के पास। हम चले गए DSP मैडम के पास, हम और DSP मैडम के पास पहुँचे ही थे, उनसे बात हुआ भी नहीं, उनसे भेंट नहीं हुई हमारी, तब तक घर से फोन आ रहा है कि पापा पर और बुआ पर हमला हुआ है, जल्दी आओ। 150 आदमी के साथ मोहल्ले के लोग फोन किए हैं कि बुआ की मेरा बेटा फोन थी घर से लोग, हाँ, बुआ हुई मेरे बेटा की, तो बुआ ही हुई ना, हाँ, ये मेरी दोनों ननद है, ये बड़ी है ये छोटी है, हाँ, तो घर से फोन आया कि जल्दी आओ पापा पर और बुआ पर, बहुत सारे लोग आए हैं मारने के लिए, गोली पिस्टल, और इनको मार के घायल कर दिया था। क्या नाम है इनका? इनका सपना सिंह नाम हुआ। सपना सिंह जी, ये भाजपा नेता है, इन्हीं को मार के घायल कर दिया। रोड पर गिरी हुई थी, साथ में डंडा था और एक हथियार था, कुल्हाड़ी था, सब कुछ था, और हवाई फायरिंग भी किया। कितना फायरिंग किया? दो फायरिंग किया। दो फायरिंग, हाँ जी। और मेरे हस्बैंड को मारने आया था, उनको बचाने के चक्कर में ये घायल हो गए। मतलब बंदूक तांगा था सूरज यादव। झारखंड का नंबर वन टैटू आर्टिस्ट सुमित टैटू आर्टिस्ट नियत बिहारी लाल चौधरी, हरि मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। नए जमाने के लेटेस्ट टैटू बनवाएं और सबों के दिलों में छा जाएं, या पुराने टैटू रिमूव करवाएं और डिफेंस बहाली की अड़चनों को दूर करवाएं। पूजा स्पेशल ऑफर 50% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तो आज ही कॉल करें 7050005998 पर